देखिए कोई भी व्यक्ति हो मैडम, देश के अंदर अगर उसके साथ कोई गलत अन्याय होता है तो जरूरी नहीं है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो किसी भी पार्टी का साथ देती। अभी विनेशा फोगाट जी ने जब अपनी स्पीच दी, उन्होंने कहा कि जब हमारे ऊपर बुरा वक्त था तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सारा विपक्ष साथ खड़ा था। साथ आने का मतलब ये नहीं है कि मन सादा कर दिया, बड़े बड़े नेता हमारे साथ में खड़े हैं, जब ही साथ हैं। हो सकता है कोई अंदर खाने सपोर्ट करी हो। सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। मैं आपके साथ रितेश्ता मंगवान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी चांदनी चौक पर है और जनता से सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग कहते थे रेसलर प्रोटेस्ट में कि हम राजनीतिक मंच साझा नहीं करना चाहते, पर आज राजनीति से जुड़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो लोग ये कहते थे, हमारे खिलाड़ी जो लड़ रहे थे अपनी लड़ाई, कि हम राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे, पर आज राजनीति में शामिल हो। देखिए कोई भी व्यक्ति हो मैडम, देश के अंदर अगर उसके साथ कोई गलत अन्याय होता है तो जरूरी नहीं है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो किसी भी पार्टी का साथ देती। अभी विनेशा फोगाट जी ने जब अपनी स्पीच दी, उन्होंने कहा कि जब हमारे ऊपर बुरा वक्त था तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सारा विपक्ष साथ खड़ा था। साथ आने का मतलब ये नहीं है कि मन सादा कर दिया, बड़े बड़े नेता हमारे साथ में खड़े हैं, जब ही साथ हैं। हो सकता है कोई अंदर खाने सपोर्ट करी हो, कहीं ना कहीं उनकी अप्रोच लगाई हो आगे पार्टी के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह इन बेटियों का अपमान करा, सड़क के अंदर इन पे लाठी भांजने का काम करा और लगातार इन पहलवानों को बताया गया कि ये लोग तो किसी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बिरक सिंह भूषण का बयान आना या जिस तरह कंगना का बयान आना, इससे साफ इफेक्ट ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस तरीके से जो बेटियों का अपमान करा है, ये उसका फैक्ट है जो आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। पर कांग्रेस पार्टी ही क्यों, आम आदमी पार्टी भी गई थी उनके आंदोलन में। ये उनकी विचारधारा है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ हरियाणा में चुनाव कांग्रेस और बीजेपी में घमासान से। अच्छा एक चीज बताइए, यही विनेशा फोगाट की बहन बबीता फोगाट, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट से चुनाव लड़ाया था, तो ऐसे तो आप उसे भी राजनीति बताओगे? भाई जिसे जहाँ जिसकी विचारधारा जुड़ी है वो वहाँ जा रहा है, बात खत्म। भाई आम आदमी पार्टी का तो रोल ही नहीं है हरियाणा के अंदर, उनसे दिल्ली तो समझ नहीं रही, वो हरियाणा में जाकर क्या डंका बजाएंगे बताइए? भाई जिस तरीके से आज दो, एक सीमापुरी के विधायक ने अपनी पार्टी को इस्तीफा दिया मौजूदा विधायक ने, तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट है, लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई जो राष्ट्रीय पार्टी है वो देश के जनता के हित की बात करती है, गरीब बेटियों की बात करती है, आदिवासियों की बात करती है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुद्दे उठाए। 4,000 किलोमीटर का सफर जिस व्यक्ति ने तय करा था कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आज उसी की बात है मैडम जो ये आपको स्थिति देखने को मिल रही है, वरना उस आदमी को क्या क्या नहीं बोला गया। आज भी लोग बोलते हैं लेकिन वो आदमी बिल्कुल मौन है, वो अपने कर्तव्य के साथ खड़ा है, अपनी विचारधारा के साथ खड़ा है। उसे पता है कि हिंसा के साथ कभी भी देश में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, अहिंसा के साथ बढ़ा जा सकता है। वो देश के लोगों की सेवा करना जानता है, कभी भी उस आदमी ने पद का लालच नहीं छोड़ा। उसके ऊपर एलिगेशन लगी गलत गलत, उसने अपनी संसद छोड़ दी, संसद चली गई, मकान तक छोड़ दिया, और क्या चाहिए? दादी ने बलिदान दिया, पिताजी ने बलिदान दिया और देते ही आ रहे हैं, लगातार अब भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैडम ये सोचने वाली बात है कि जो सरकारें पिछले 10 साल, साक्षी मलिक को भी शामिल हो जाना चाहिए था। फिर आपने वही बात कह दी, अभी मैं अब साक्षी मलिक की अलग विचारधारा है, भाई उसे नहीं आना होगा, उसने उसका भी बयान मैंने पढ़ा है। साक्षी मलिक ने कहा है कि भाई जितनी भी पार्टियां हैं ठीक है, लड़ाई लड़ने की अपनी उनकी इच्छा है, लड़ाइयों में कहीं ना कहीं खटास पड़ गई। मैडम कोई खटास नहीं है, जिसे जहां मिल जाए वो वहां जा रहा है। रेलवे की नौकरी त्याग दी विनेशा फोगाट ने, आप इसे भी तो कह सकते हो। अभी यही अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते दोनों, तो आप लोग यही कहते कि देखिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया बेटियों को, कैसा गौरव बढ़ाया। तो ऐसा नहीं है, हमेशा नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए इंसान को। और देश की बेटियां हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, अगर वो किसी भी पार्टी में भी जाती ना मैडम, मैं जब भी उनका सम्मान करता, क्योंकि विदेश के अंदर गौरव बढ़ाना और उस दंगल में गौरव बढ़ाना, जिस दंगल के अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी चित हो जाते हैं, अरे ये तो नेता कोई खिलाड़ी नहीं है, जितनी बड़ी खिलाड़ी वो है। और वो इस राजनीति के दंगल में भी ऐसे नेताओं के पसीने छुड़ाने का काम करेगी जिनने उस पर लाठियां बजाने का काम किया। हरियाणा के चुनाव में कितना बदलाव आएगा? देखिए बदलाव बहुत पहले आ चुका था, वहाँ मुद्दा विनेशा फोगाट और विनेश पुनिया नहीं है, वो बेटियां हैं हरियाणा की और पूरे देश की बेटियां हैं। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ वहाँ डाउन हो चुका था, क्यों? जिस तरह नायब सिंह सैनी को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया, भाई किसानों के हक की बात कब करोगे? जिन किसानों ने आपको वोट दिया, जिन मजदूरों ने आपको वोट दिया, आप उन्हें ही कुचल रहे हो सड़कों पर, हैं? किसानों के लिए आप कांटे बिछा रहे हो, अडानी अंबानी पूंजीपतियों के लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है। तो मैडम ये इफेक्ट है कुछ हरियाणा के अंदर बहुत बुरा हाल है भारतीय जनता पार्टी का, पूछने वाला नहीं है कोई। हो सकता है वहां सुपड़ा साफ भी होगा। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि मैं जब तक जीतूंगा नहीं
देखिए नायब सिंह सैनी साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री हैं, अभी पद आपने ग्रहण कर रखा है पिछले साल, खट्टर साहब से 5 साल अपने काम पे बात करो। अगर आपने काम करा है वो फैक्ट गिनाओ जनता को, और आपने तो कुछ करा ही नहीं, आपने सिर्फ बांधा बांधी करी है पूरे 5 साल के अंदर। भाई किसानों को आपने कुचलने का काम करा इन 5 सालों में, आपने कोई किसान हित की बात नहीं करी। MSP पर कानून अभी तक नहीं बना, हरियाणा की आप सड़कें देख लो, जो हुडा जी के टाइम में काम हुआ है ना, आज भी लोग कहते हैं वह फैक्ट है। हुडा जी का विपक्ष का नेता भी तारीफ करता है, क्यों? क्योंकि तारीफ काबिल आदमी है वो, उन्होंने हरियाणा को चमकाने का काम करा। आज गुड़गांव चले जाओ, जबरदस्त सड़कें, ये सब काम जितना भी हुआ हुडा जी के समय पर हुआ, इसीलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घुसने का भी मौका नहीं दिया। सवाल ये उठ रहे हैं कि अब जैसे कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, अब क्या हरियाणा से चुनाव लड़ेंगे ये लोग? कौन? मैडम देखिए, ये पार्टी की विचारधारा है, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, मैं तो कहना चाहता हूँ हर वो इंसान जो इस देश को बचाने का काम करेगा, जो बाबा साहब के संविधान के साथ चलने का काम करेगा, जो इस देश की एकता और अखंडता को बचाने का काम करेगा, वो हर आदमी राजनीति में आए, अपनी सेवा दे। राजनीति में तो मैडम राजनीति में आ गई है, अब सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। करना पड़े सवालों का, वो तो पिछले 10 साल से कर रही है, जब से रेस लड़, जिस दिन उन्होंने बीरज सिंह भूषण के ऊपर FIR दर्ज कराई थी, उस दिन से सवालों का मैडम निशाना है। वो तो पहलवान के तौर पर सिंपथी मिलती थी। अब एक चीज बताइए, एक आदमी एक दिन का मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री बने या कोई भी, उसके आगे पूर्व लिख जाता है। रेसलर वो बंदनी होगी, उसकी माटी के, वो जिस माटी से आती है ना बेटी, वो हरियाणा से आती है, वहां के खून खून के अंदर देश का गौरव बढ़ाने का काम होता है। आप जिसकी बात कर रहे हो ना कि वो राजनीति से जुड़ गई, उन्होंने क्या कहा कि महिलाओं के सम्मान की बात करती है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी की जो विचारधारा है वो क्या है? वो मणिपुर जाते हैं, वो हाथरस जाते हैं, मोदी जी क्यों नहीं गए आज तक बताइए आप? मोदी जी ने तो सिर्फ उन पूंजीपति और उन यारियों का, कहते हैं ना यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, नीतीश को दे दो 26 करोड़ और नायडू को दे दो 56, तो यही कूरा नुस्ती चल रही है देश के अंदर। लगातार विपक्ष के नेताओं के ऊपर ED CBI का हमला बोलना, ठीक है, लगातार एक समुदाय को कट्टरपंथी बताना। मजबूत होगी कांग्रेस पार्टी? मैडम विपक्ष मजबूत हुआ है, इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, इंडिया ब्लॉक मजबूत हुआ है। कांग्रेस पार्टी देखिए सुनिए, जब 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस देश के चुनाव में आई, बता दो ना कब खत्म करना मुझे, जब चुनाव में आई तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट है कि मोदी जी ने मंगलसूत्र, मुर्गा, मंडी, मछली, मुजरा जैसे शब्दों से इस्तेमाल करा, लेकिन धन्य है इस देश की जनता, मैं सलूट करता हूँ, उसने ऐसा इलाज करा उन 400 पार का कि 240 पर रत रुक गया, आगे बैसाखी पे उन्हें बता दिया कि जो आप इस लाल किले के प्राचीन से बयान देते थे ना, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है, ये फैक्ट है। भारतीय जनता पार्टी को अब आने वाले जितने भी राज्यों के चुनाव हैं, ये बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। विनेश फोगाट का ये कदम कितना सही है जनता के लिए, हरियाणा के? बहुत सही है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ उनकी नई जिंदगी के लिए। उन्होंने राजनीति के दंगल में जो हिस्सा लिया है, मैं कहता हूँ उसके अंदर भी वो देश के लिए 4 चांद लगाएं, कभी भी धर्म की राजनीति ना करें, सिर्फ जनता के मुद्दे की बात करें, ठीक है, जिस पार्टी के साथ जुड़ी है अगर उस पार्टी के अंदर कभी भी ऐसा बयान ना दें जिससे देश के लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई तकलीफ आए, बस यही कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए चांदनी चौक पर मौजूद थे और तमाम लोग यहाँ पर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को लेकर ये कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया है, क्योंकि उन्हें वैसे तो न्याय नहीं मिल रहा था, क्या पता कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से उनकी जो लड़ाई थी, उनकी जो विचारधारा थी, वो पूरी हो पाएगी या नहीं, उन्हें न्याय मिल पाएगा या नहीं। पर देखिए सवाल यही है कि जो भी खिलाड़ी हो या जो भी इंसान हो, जब राजनीति से जुड़ जाता है तो उसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, उन्हें बुराइयों का भी सामना करना पड़ता है, कटाक्ष का भी सामना करना पड़ता है। पर देखना यही होगा कि हरियाणा चुनाव में इस बार कितना बदलाव होगा, किसकी लहर ज्यादा देखने को मिलेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार।